नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि दिल्ली पुलिस का जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपका आउट हो चुका है। अब आपको कैसे चेक करना है मैं आपको यहां पर लाइव करके दिखा रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है या डेस्कटॉप में, ठीक है। वहाँ पर आपको SSC का जो ऑफिशियल साइट है ssc.nic.in, ये आपको टाइप करना है। जैसे ही SSC का ऑफिशियल साइट आप सर्च करोगे, यह वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये वाला पेज जैसे ही ओपन होता है आपको स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर देखो सबसे पहले 6 दिसंबर वाला, ये वाला देखो, कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 अपलोडिंग ऑफ कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स सीट, यानी आपका आंसर की जो है वो आपका डाउनलोड हो गया है। आपको कैसे चेक करना है उसके लिए जो है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। चलिए, मैंने डाउनलोड कर रखा था, फिर से एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको किसी भी एक PDF रीडर से ओपन कर लेना है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो, ये वाला आपका डाउनलोड हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब से कब तक जो है आप लोग अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा देखो, यहाँ पर ये बताया गया है कि 14 नवंबर से लेकर आपका तीन जो है दिसंबर तक आपका पेपर हुआ था, ठीक है। और आंसर की जो है आज ही के दिन जो है 6 बजे डाउनलोड कर दिया गया है, यानी जारी कर दिया गया है, जो कि आप लोग जो है 9 दिसंबर 6 बजे तक जो है चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो उस पर राइज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको जो है यहाँ पर 100 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा साथियों, पर क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर SSC ने गलत दिया है तो उसका आप राइज कर सकते हैं, उसके लिए 100 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही यहीं पर आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हो ना, तो यहाँ पर आपको ये लिंक दिखाई देगा, जहाँ पर क्लिक करके आप अपना आंसर की चेक कर सकते हो। मैं इस लिंक का, ये जो लिंक है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करते हो ना, यहाँ पर देखिए, जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करते हो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि आप अपना आंसर की चेक करने के लिए ना साथियों, यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर लिखा हुआ है उस रोल नंबर को डालना है, और पासवर्ड में आपको क्या डालना है, वही पासवर्ड जो आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट का यहाँ पर आपका जो रोल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो साथियों, मैंने यहाँ पर रोल नंबर और पासवर्ड फिल कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पे आपको लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, तो देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, एक निर्देश दिया जाएगा, इसको आपको ऐसे स्क्रॉल करके क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की। तो जैसे ही साथियों यहाँ पर जो है ना, देखो जैसे ही ये वाला ऑप्शन जो है आपका क्लिक हेयर नीचे लिखा हुआ है ना, देखो टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपको ये जो क्लिक हेयर वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना है, उतना कुछ आपको ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखो जैसे ही आप करोगे यहाँ पर जो है ना, आपको पूरा आंसर की आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये जिसका भी है, जो भी स्टूडेंट का है मेरा एक, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका इन्होंने जो है ऑप्शन सेलेक्ट किया था आपका, यहाँ पर दिख रहा है कि चूज ऑप्शन 3, है ना। और यहाँ पर देखिए कैसे आपको चेक करना, वो चीज़ बता रहे हो। अगर काफ़ी सारे नए बच्चे होते हैं जिनको चेक करना नहीं आता है उनके लिए, बाकी जिनको चेक करना आता है उनके लिए तो कोई बात नहीं। तो देखो इन्होंने जो, इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है, और SSC ने भी इस क्वेश्चन का आंसर 3 दिया है, यानी ये जो है सही है बिल्कुल, है ना। बच्चे ने भी सही करा है और SSC ने भी जो है अपना आंसर बिल्कुल सही दिया है। उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं, ये जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, और इन्होंने इस क्वेश्चन के लिए सेलेक्ट किया था ऑप्शन नंबर ए, तो ये गलत हो गया, मतलब कि SSC ने सही आंसर दिया है और जो स्टूडेंट है भाई उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत कर दिया है सेंटर में। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए कट ऑफ की अगर बात करें ना, ऐसे करके आप पूरा क्वेश्चन आंसर जो है पूरा सीट आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करें तो साथियों मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ आपको एक ओवरऑल सभी के लिए एक कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। देखो 62 to 66 ये साथियों कट ऑफ रहने वाला है आपका जनरल कैटेगरी का। जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी SC ST OBC उसके अनुसार कुछ कुछ कम जो होता ही है, 4-5 नंबर कम करके, वो आप लोग अंदाजा लगा लेना। ये मेल्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल की अगर बात करें तो वहीं पर आप जो है 50, ठीक है, 51 से लेकर जो है 55 तक
कर सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं फीमेल कैटेगरी का कितना कट ऑफ रहेगा जनरल में। बाकी एससी एसटी ओबीसी आप लोग जो है उससे थोड़ा सा कम अगर आपका मार्क्स बनेगा तो भी आप लोग फिजिकल की तैयारी करना। हालांकि मैंने कट ऑफ का एक वीडियो बनाया था, मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को देख लेना, अच्छे से आपको समझा के बताया है कट ऑफ में, ठीक है। चलिए तो साथियों अब आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अपना सीट डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।